बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट डी कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, डिवाइड करना है 7546 7546, इसको डिवाइड करना है 22 पे। फिर अगेन सबसे पहली चीज़ कि जो मैंने डिजिट्स लिखे हैं ये इनमें गैप है, तो आपने भी इनमें गैप रखना है ताकि ब्यूटीफुल भी लगे और आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और कोई मिस्टेक ना हो। अब ये टू नंबर्स हैं, यहाँ से टू नंबर चाहिए 75 को 22 पे डिवाइड करना है। 22 फोर ज़ार होता है 88 जो है एक्सीड कर जाएगा, तो हम क्या करते हैं 22 थ्री ज़ार 66, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया। माइनस करना है, 6 जो है वो कट नहीं हो सकता 5 से, यहाँ से हेल्प लेंगे, यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 15 माइनस 6 होता है 9, 6 माइनस 6 0। अब 9 इज स्मॉलर दैन 22, डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक वक्त में एक डिजिट लेके आ सकते हैं, तो इसको हम नीचे ले आते हैं 4, 94 हो गया। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से एक्सीड कर जाएगा, ये 94 है एक्सीड कर जाएगा, तो हम क्या करते हैं हम इसको 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। 4 2 8 आ गया। अब अगेन माइनस करना है, ये 8 जो ये कट नहीं हो सकता 4 से, तो हम यहाँ से हेल्प लेंगे, यहाँ पे 8 रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 14 माइनस 8 6 8 माइनस 8 0। अभी 6 को नीचे लेके आएंगे 66 को 22 पे डिवाइड करना है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 66, द रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, आंसर क्या है 343। ये 343 जो है इसको कोशेंट भी कहते हैं, और ये 22 जो है ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अब हम फर्दर जो है पार्ट्स करेंगे, इसका ई पार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम तेज तेज चलेंगे ताकि आपको क्योंकि आपको आइडिया हो गया है। ई क्या है, 9568 डिवाइड बाई 23, इसको 5 से करेंगे तो एक सीट काट जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 4 3 12, 4 2 8 19, 92 आ गया। 5 माइनस 2 3, ये 0 हो गया, 66 आ गया, 23 1 23, 6 माइनस 3 3 3 माइनस 2 1, 13 आ गया, इधर से 8 उतार लिया। अब 6 से करें, 6 3 18 होता है, और 6 2 12 1 13 138, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 416 इज आवर आंसर, और इसको क्वेश्चन भी कहते हैं।